दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एनआईओ से डीलेट या फिर यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर टेट एग्जाम की तैयारी, तो आप सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर वो अनअकैडमी पे आ रहा है, तो आप सभी वहां पे जाके अपने वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वहां पे सर्च करना है मिथुन सिंह, और मिथुन सिंह को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप रेगुलर वहां पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर आते हैं आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अनअकैडमी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के पार्ट नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि इसके पहले 4 पार्ट में हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया था, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को भी आप देख लें। और जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में, जहां कि हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 5 वीडियो में 30-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया था, अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को भी आप देख लें, क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चंस कराए गए वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि जम्मू और कश्मीर के कौन से पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन सी दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिए गए हैं उत्तराखंड राजस्थान। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन डी दिए गए हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि पशुओं की त्वचा पे जो भी विविध पैटर्न होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ऑप्शन बी दिए गए हैं भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन सी दिए गए हैं संविधान आदेश विधेयक 2012, ऑप्शन डी दिए गए हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एचआईवी एड्स, हैजा, डेंगू, ऑप्शन बी दिए गए हैं मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू, ऑप्शन सी दिए गए हैं मियादी बुखार, चिकनगुनिया, हैजा, ऑप्शन डी दिए गए हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, घटपर्णी पौधा यानी कि नेफेंथस, इसके बारे में कौन सा यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए दिए गए हैं भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को चलाकी से फंसा कर खा जाता है, और ऑप्शन सी दिए गए हैं इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ऑप्शन डी दिए गए हैं कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वचा की ध्वनियां निकालता है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चलाकी से फंसा कर खा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आंवला, आलू, टमाटर, ऑप्शन बी दिए गए हैं आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन सी दिए गए हैं आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन डी दिए गए हैं बंदा गोभी, भिंडी, गुड़। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि आंवला, पालक और गुड़। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, हमारे देश में मिर्च को लगाने वाले व्यवसायी आए थे, यानी कि मिर्च को लगाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी दिए गए हैं उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन डी दिए गए हैं दक्षिण अमेरिका से। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अमेरिका से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कलचिड़ी, ऑप्शन बी दिए गए हैं बया, ऑप्शन सी दिए गए हैं शकरखोरा, ऑप्शन डी दिए गए हैं फाख्ता। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो नीचे यहाँ पे देखिए कुछ विवरण यहाँ पे दिए गए हैं,
यहाँ पे लिखा गया है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो किसके बारे में बोला गया है, कौन सा जानवर के बारे में यह बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पैंडा, ऑप्शन बी दिए गए हैं लंगूर, ऑप्शन सी दिए गए हैं चिंपैंजी, ऑप्शन डी दिए गए हैं स्लॉथ। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि स्लॉथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश डैश के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ऑप्शन बी दिए गए हैं पाठ्य वस्तुओं और संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देने, ऑप्शन सी दिए गए हैं वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ पुस्तकीय ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने, ऑप्शन डी दिए गए हैं बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ऑप्शन बी दिए गए हैं पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को उत्साहित करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन डी दिए गए हैं समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि, तो ये चीज़ें क्यों पसंद करते हैं वो आपको बताना है। इसके लिए नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है यह सपाटी अधिगम को बढ़ावा देता है, दूसरा दिया गया है सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, तीसरा दिया गया है बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित होते हैं, चौथा दिया गया है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से ये चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है जिसमें से कि नीचे फिर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं ए और डी, ऑप्शन बी दिए गए हैं बी और सी, ऑप्शन सी दिए गए हैं ए बी और डी, ऑप्शन डी दिए गए हैं ए बी और सी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि ऊपर में जो भी ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं चित्र पठन, ऑप्शन बी दिए गए हैं हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन सी दिए गए हैं निदर्शन प्रदर्शन, ऑप्शन डी दिए गए हैं सृजनात्मक लेखन। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि हस्तपरक गतिविधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती है जैसे सजीव निर्जीव जल चक्र पौधे इत्यादि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, तो क्या स्रोत हो सकते हैं आपको बताना है जिसमें से कि पहला नंबर दिया गया है कहानियां एवं कविताएं और दूसरा दिया गया है शिक्षक, तीसरा दिया गया है पाठ पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, चौथा दिया गया है परिवारों के समुदाय। तो सही विकल्प क्या होगा वो आपको चुनना है जिसमें से कि ऑप्शन ए दिए गए हैं ए और बी दोनों सही थे, ऑप्शन बी दिए गए हैं बी और सी दोनों सही थे, ऑप्शन सी दिए गए हैं ए बी सी और डी यानी कि चारों सही थे, ऑप्शन डी दिए गए हैं ए बी और डी सही थे। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ए बी सी यानी कि जो चारों यहाँ पे दिए गए थे ये चारों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कांच के जार और बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है, यानी कि जब हम कांच के बोतलों में जब अचार को रखते हैं तो उसे सूर्य में क्यों सुखाते हैं वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी दिए गए हैं अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन सी दिए गए हैं नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन डी दिए गए हैं उनमें से धूल को हटाने के लिए। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सशक्त है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं यह विशेष सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, और ऑप्शन सी दिया गया है यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के विहित विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, चौथा दिया गया है यानी कि ऑप्शन डी दिए गए हैं यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं भोजन, ऑप्शन बी दिए गए हैं मौसम, ऑप्शन सी दिए गए हैं सौर मंडल, ऑप्शन डी दिए गए हैं ऊर्जा।
इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि भोजन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया गया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गया है मणिपुर। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चींटी, ऑप्शन बी दिया गया है दीमक, ऑप्शन सी दिए गए हैं मकड़ी, ऑप्शन डी दिए गए हैं ततैया। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मकड़ी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, ऑप्शन डी दिए गए हैं तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होते हैं, हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अलास्का यानी कि यूएसए, ऑप्शन बी दिए गए हैं अर्जेंटीना, ऑप्शन सी दिए गए हैं अल्जीरिया, ऑप्शन डी दिए गए हैं लीबिया। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि अर्जेंटीना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बाघ, ऑप्शन बी दिए गए हैं कुत्ता, ऑप्शन सी दिए गए हैं गिद्ध, ऑप्शन डी दिए गए हैं रेशम का कीड़ा। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बाघ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें डैश डैश पर्वत में हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी दिए गए हैं विद्यांचल, ऑप्शन सी दिए गए हैं पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी दिए गए हैं अरावली। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी घाट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं जल या खनिज का अवशोषण करना, ऑप्शन बी दिए गए हैं पौधों को सहारा देना, ऑप्शन सी दिए गए हैं ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी दिए गए हैं भोजन भंडारण संचित करना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया गया है बिहार। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं तमिलनाडु के आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिए गए हैं गोवा कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी दिए गए हैं आंध्र प्रदेश गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन डी दिए गए हैं केरल गुजरात और कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ऑप्शन बी दिए गए हैं भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऑप्शन सी दिए गए हैं बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऑप्शन डी दिए गए हैं बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है काली मिर्च, ऑप्शन बी दिया गया है गेहूं, ऑप्शन सी दिया गया है साबूदाना, ऑप्शन डी दिया गया है सौंफ। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि साबूदाना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों के भिन्न है, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लीची, ऑप्शन बी दिया गया है सेब, ऑप्शन सी दिया गया है नारियल, ऑप्शन डी दिया गया है चीड़। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि नारियल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो जो भी नीचे जोड़ा दिए गए हैं इसमें से कौन सा जोड़ा ठीक है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु यानी कि लावणी, ऑप्शन बी दिए गए हैं उड़ीसा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी दिए गए हैं असम बिहू, ऑप्शन डी दिए गए हैं कर्नाटक कथक। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि असम बिहू। तो यही दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे हम लोग इसी तरह से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो भी संभावित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, वो सारे आगे हम लोग इसी तरह से यहाँ पे करते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।